तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज पहले वी हैव ऑलरेडी डन अ चैप्टर कॉल्ड लिविंग वर्ल्ड दैट इज अ वेरी बेसिक चैप्टर और वी कैन से जस्ट टू गेन द नॉलेज जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन वी डन दिस चैप्टर है ना नाउ वी आर देयर विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज द नेम सजेस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायो बायो का मतलब क्या होता है बायो का मतलब होता है कोई भी चीज लिविंग है ना और क्लासिफिकेशन मीन्स टू क्लासीफाई ना तो हम समझने वाले हैं इसका मतलब क्या है बट द बेसिक थीम अगर मैं इसकी रखना चाहूँ आपके सामने सो द बेसिक थीम ऑफ दिस चैप्टर इज द ग्रेट डाइवर्सिटी एज यू नो दैट आवर वर्ल्ड इज हैविंग द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्मी वी आर गोइंग टू क्लासीफाई इन द डिफरेंट कैटेगरीज है ना इट्स लाइक द सेम है कि यार अगर आप किसी जगह पर जा रहे हो लाइक like आपने शॉपिंग करने गए और उस शॉपिंग मॉल के अंदर आपने देखा कि यार वहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ बना हुआ है चीज़ों का जिसमें आपकी पेंसिल्स भी हैं स्टेशनरी भी हैं आपकी स्पोर्ट्स के आइटम भी हैं खाने पीने के आइटम भी हैं बच्चों के डायपर भी हैं है ना सब कुछ वहीं पर रखा हुआ है द इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू सेलेक्ट द थिंग विच यू वॉन्ट है ना इट्स वेरी हार्ड तो उसी का सोल्यूशन जो है हमारे पास अगेन अब ऐसे स्टोर है ना पे हमारे पास क्लासेस कैटेगरीज बनी होती है कि हाँ भाई अगर तुम्हें लाइक स्टेशनरी चाहिए तो तुम इस वाली जगह पे जाओ अगर तुम्हें लाइक कोई फूड आइटम चाहिए तो तुम इस जगह पर जाओ तो सिमिलरली दैट इज व्हाट द यू नो ब्यूटी ऑफ क्लासिफिकेशन द सेम थिंग टू अपलाईन दिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बहुत बड़ी हमारे पास वराइटीज प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो उसको स्टडी करने के लिए उसको जानने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमें इस चैप्टर की जरूरत है तो ये शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन को एंड बिफोर गोइंगी टेल यू समिंग अबाउट माई सेल्फ माई नेम इस लक्ष्य एंड आई एम योर प्लस एडुकेट है हम आ, हमारी क्लासेस जो है वो स्पेशल क्लासेस भी होती है सिमिलरली हमारी प्लस क्लासेस भी होती है ठीक है यूट्यूब पर तो आप सेटवर्क इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग आई थिंक राइट ना इट्स ऑडिबल है ना इट्स विजेबल सॉरी फॉर द इंटरप्शन है ना अगे सो यू आर डिस्कसिंग अबाउट दीस है ना तो वी है प्लस कोर्सेज एज वेल तो उन कोर्सेज को भी आप जाकर विजिट कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं और सेशन में हम शुरुआत करते हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की यार आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कुछ लिंक्स को चेक कर सकते हैं द फर्स्ट लिंक इज़ माय माय पर्सनल चैनल लिंक जहाँ पे आपको यार आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और uh, जो भी आपके नोट्स वगैरह जो आपकी इमेजेस होती हैं वो मैं सारी वहाँ पर अपलोड कर दूंगा सेकेंड वन इज़ योर ऑफिशियल चैनल जहाँ पर आपको आने वाले सेशनस की uh, जो भी अपडेट्स हैं वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कौन सा से सेशन आपका कब आने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द स्पेशल क्लासेज एज यू नो तो दोस्तों ये जो क्लासेज ना ये क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे होती है प्लेटफॉर्म पर होती है और इन क्लासेस में यार बहुत से नए नए फीचर्स जो हैं ऐड कर दिए गए हैं इस टाइम पर अगर आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे ना वहाँ पे आपको बहुत सारे है ना बहुत सारे क्या होंगे फ़ीचर्स मिलेंगे देखने को जैसे कि मैं आपको कुछ फीचर्स गिना भी सकता हूँ ना है हाँ तो लाइक यू विल बी हैविंग योर यू कैन स्टडी फ्रॉम योर फेवरेट एडुकेटर इट्स नॉट लाइक कि आपको एक दो एडुकेटर्स मिलेंगे आपके सामने सभी एडुकेटर्स जो होंगे सब्जेक्ट वाइज जो होंगे उनसे आप पढ़ सकते हैं यू आर एंगेज पोल्स लाइक इन ईच एंड एवरी सेशन वी एडुकेटर्स ऑलवेज कंडक्ट द पोल्स जस्ट टू हैव अ जस्ट टू गिव यू आर रीजन वॉट्स इन द सेशन ओके थर्ड इज यूर डाउट क्लियरिंग सेशन अकेडमी लिटरली फोकस अलॉट ऑन द डाउट सॉल्विंग सेशन सो लाइक यू कैन सोल्व यूर डाउट्स वेन यू आर स्टडी ड्यूरिंग द क्लास यू कैन सॉल्व योअर डाउट्स बाय आस्किंग द क्वेश्चन बाय राइटिंग द क्वेश्चन बाय सेंडिंग द इमेज और इवन यू कैन टॉक योर एडुकेटर एज वेल इफ यू आर अ प्लस सब्सक्राइबर ठीक है बट दीज आर द फ्री क्लासेज जो कि आप अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर भी आपका मोस्टली सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा तो आप प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट करें ठीक है रियल टाइम इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगी यू विल बी हैविंग द क्वेश्चन आस्क यूर क्वेश्चन एंड पोल्स के थ्रू जो है हमारा एक रिविजन चल रहा होगा एट द एंड वी ऑल्सो शो यू द लीडर बोर्ड ठीक है एक कम्युनिटी पोस्ट का बहुत ही मज़ेदार फीचर है ना जो कि अगेन एक नई चीज ऐड की गई है कुछ टाइम पहले मगर इसके बारे में आपको भी आगे चलकर बता रहा हूँ ठीक है एज ऑफ नाउ वी आर प्रोसीडिंग एंड वी आर स्टार्टिंग दैट वट वी हैव टू स्टडी आज हमें क्या पढ़ना है हम उसकी शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से ठीक है एंड एज यू कैन सी है ना As you can see here, that we have a beautiful slide ब्यूटिफुल स्लाइड सी क्या बताती है आपको It tells you, निकले सिंह सर एग्जाम चल रहे हैं हम इलेवंथ में नहीं आए हैं सो नो इश्यू है प्री प्लानिंग इज नेवर वो है ना ये हमेशा बेटर होता है प्री प्लानिंग सो जवाब लाइक like, ये तो शर्त ही है कि आप 11th में आने वाले हैं तो जैसे ही आप 11th में आएंगे आपके लिए सारे ले लेक्चर्स जो हैं आपके लिए रेडी पड़े होंगे तो आप उन्हें देख सकते हैं ठीक है सो राइट सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यू कैन सी है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सो गगन टू क्लासिफाई द थिंग्स एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू कैन सी द फ्लेमिंगो देयर वी हैव द पेंगुइन वी हैव सी हिल्स वी हैव द जिब्रा हिप्पो एंड डोडो है ना ये डोडो है जो अब तो नहीं है बट एक्सटिंक्ट हो चुका है ठीक है फ्रॉग जीराफ लॉइन लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कुछ तो ऐसे जिसका आपको नाम भी नहीं पता होंगे है ना तो इन्हीं सभी ऑर्गेनिजम्स को हमें क्लासीफाई करना है क्या मैं इस बैक्टीरिया और इस लॉइन को एक साथ रख दूँ क्या दोनों सेम है क्या मैं इस पोलर बियर को और इस पिकोप को एक साथ रख दूँ क्या इस बर्ड को साथ में रख दूँ ये कुछ सवाल है मेरे माइंड में है ना तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने इस सेशन को रखा है तो बढ़ते हैं आगे और सेशन की शुरुआत करते हैं दिस इज वॉट द ब्यूटिफुल वर्ल्ड लुक लाइक और अगर मैं आपको एक छोटा सा डेटा अगर बताना चाहूं तो आई कैन टेल यू बॉस ये जो अगर हमारी अर्थ है तो इसका ये जो पार्ट है ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर दिस इज इक्वेटर ठीक है अब इस इक्वेटर के ऊपर एक इस तरीके से यू कैन ड्रॉ लाइन और एक इस तरीके से नीचे की तरफ आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं ना दिस इज वॉट द रीजन विच इजिंग द मैक्सिमम डाइवर्सिटी मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम ठीक है ये ट्रॉपिकल एरिया होता है हमारे पूरे ग्लोब का तो ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है सबसे ज्यादा वराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं तो ये जो है ये एक मेगा डाइवर्सिटी का जोन है तो विच इज द मेगा डाइवर्सिटी जोन दैट इज योर ट्रॉपिकल एरिया ऑन द ग्लोब ठीक है छोटा सा माइंड मैप है कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं तो यू कैन सेयर पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में जहाँ पर हम समझ रहे होंगे कि बेसिकली नीड क्या है क्लासिफिकेशन की एक्सट्रोनॉमी बायोडाइवर्सिटी ये तो हम आपके पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं नॉर्मन क्लेचर वी विल स्टडी इन द अपकमिंग स्लाइड्स हेरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर यू विल टॉक अबाउट द किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज एंडल्यूशनरी रिलेशनशिप यू विल अंडरस्टैंड लाइक सिस्टम ट्री क्या होता है, tree क्या होता है तो ये कुछ से जो आप समझने वाले हो जैसे जैसे बढ़ेंगे आज का टॉपिक है टूडे वी विल कम्प्लीट दिस पार्ट है ना कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हमारे इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अंदर हमें कैसे हेल्प किया है और इस टाइम पर हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं विच इज विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक है आगे बढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे मोनेरा के बारे में मोनेरा और प्रोटेस्ट जो है किंगडम्स है इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं कैसे क्लासीफाई किया गया है इसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं फोर्थ नंबर पे वी विल बी हैविंग द किंगडम फंगस फंगस की हम बात करने वाले हैं तो मोनेरा प्रोटेस्टा फंगस देन प्लांट की बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में ठीक है तो ऐसे हम चल चल के चल चल के इस रास्ते को कंप्लीट कर लेंगे है ना तो साथ बने रहें और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों आज के इस मुलाकात में हमारी इंटरेक्शन जो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना कि हम क्लासीफाई uh, क्यों करते हैं और क्लासिफिकेशन होता क्या है इसकी बात करेंगे सेकेंड वी हैव टू किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन फोर किंगडम फाइव किंगडम यू विल अंडरस्टैंड द नेम लाइक सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने करी है ना सबसे पहले इसकी नींव किसने रखी नींव मतलब बेस किसने बनाया तो एरिस्टोटल ने बनाया देन यू विल सी कार्ड लिनियस आए फिर आपके अर्नेस्ट अर्न आए कोपलैंड आए आर एच नाउ वी हैव द कार्ड है ना तो बहुत साइंटिस्ट की लिस्ट है तो उनके बारे में हम जानेंगे वी विल अंडरस्टैंड द थ्री डोमेन्स कौन कौन से तीन डोमेन्स होते हैं जिसमें हम सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे और मोनेरा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देने की कोशिश भी करेंगे ठीक है सर एवोल्यूशन कब पढ़ने पढ़ने को मिलेगा यार ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना एवोल्यूशन इज़ एक्चुअली एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की और एक साइंटिस्ट ने ये बात कही भी है कि यार अगर आपको बायोलॉजी पसंद है और अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो है ना और आपने अगर एवोल्यूशन नहीं पढ़ा है तो फिर आपको बायोलॉजी का ना पूरा ज्ञान नहीं है ठीक तो, है एवोल्यूशन एक बहुत मज़ेदार ब्रांच uh, है बायोलॉजी के इसके ऊपर डिस्कशन जो होगा हमारा स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स खत्म हो जाए है ना उसके बाद हम इस चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं, like, लाइक मतलब आ, आने वाले एक वीक के बाद चालू होगा अभी चालू नहीं होगा एटलीस्ट uh, एक वीक के बाद लेके आएंगे चीके? तो आगे बढ़ते हैं And, uh, See, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं और फिर जानते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं तो इट इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टू कैटेगरी इन एंड बेस्ड ऑन दे आर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ये वाला वर्ड वाद बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इसको सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई करना दिस इज वट वी कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं समझे सर है ना मुझे भी पता है इसका मतलब क्या है कि यार मैं आपको बताया ना कि आप मान लो किसी एक शॉपिंग मॉल में अगर जा रहे हो है ना वहाँ पे आपको बहुत चीजें एक ही ढेर में लगा के दे दी गई है यार वहीं पे आपकी इस तरीके से बैट भी पड़ा हुआ है वहीं पे बॉल पड़ी हुई है वहीं पे आपकी कैंडीज पड़ी हुई है वहीं पर पे आपकी पेंसिल्स पड़ी हुई है ना वहीं पर आपके बच्चों के डायपर भी रख दिए वहीं पर है ना लड्डू भी रख, सब कुछ रख दिया एक ही जगह पे तो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू कि यार कोई आपसे बोले कि जाके जा, जा पेंसिल लेके आओ तुम नहीं ला पाओगे है ना तो सेम चीज यहाँ पे है कि यार आपने क्या किया आपने इन चीज़ों की सिमिलैरिटीज को देखा और इनकी डिसिमिलैरिटीज को देखा और इन चीज़ों को आपने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया लाइक आपने देखा कि यार ये चीज़ें ठंडी है है ना तो आपने आइसक्रीम को चॉकलेट को एक तरफ उठा के रख दिया तो ये हो गए सिमिलैरिटीज के बेसिस पे सिमिलैरिटीज के बेसिस पे आपने चीजों को एक तरफ रख दिया लाइक like, लाइक like आपने इसको फूड आइटम में रख दिया जो कि एडेबल था जो चीजें खेलने का आ रही है, आपने उसको स्पोर्ट्स के आइटम में रख दिया तो दैट इज हाउ यू आर जस्ट यू नो क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म या क्लासिफाइंग एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज आपने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ये होता है सिंपल सा मतलब कोई इसके लैंग्वेज को बड़ा खींचने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल लैंग्वेज है क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरीज बनाना किस बेसिस पे और के बेसिस पे ठीक है इसी की स्टडी जो होती है ऐसा करना तो सी बात है हमारी स्टडी ईजी बने है ना? हम चीजों को क्लासीफाई कर पाए कैटेगरीज में बांट सके ताकि हमारा टाइम कम लगे चीजों को ढूंढने में है ना लेट्स राइट पहला टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ंग डायवर्सिटी हाँ? हमारी जो अर्थ पे डायवर्सिटीज है उन डाइवर्सिटीज को हम आइडेंटिफाई कर पाए इसके लिए सेकंड पॉइंट टू डिवाइड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीजरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम चीजों को क्लासिफाई कर पाए दैट इज अ सेकंड नीड दैट इज वाई वी वांट टू यू नो दैट इज ऑब्जेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन तीसरा हम उसको एक नाम देकर उसे एक पहचान उसे किसी जगह पर रख पाए Like हम उसे एक किंगडम में उसकी जगह दे पाए है ना सो लास्ट इज टू लोकेट ऑर्गेनिज्म इन यू नो कैटेगरी एंड मेड स्टडी इजियर ठीक है सो दीज आर दबजेक्टिव टू स्टडी दूट टू क्लासीफाई द डिफरेंट ऑर्गेनिज्मी है अब देखो इस क्लासिफिकेशन की नींद किसने रखी है ना कौन वो साइंटिस्ट है जिसने पहली बार क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने का सोचा तो वो थे हमारे महान साइंटिस्ट ना एरिस्टोटल इनका नाम आपने सुना होगा और इनका आपने नाम काफी जगह सुना होगा इवेंचुअली आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इनर्शिया जिसकी शुरुआत की गई थी है ना एंड आपके और भी साइंस लाइक केमिस्ट्री में भी इनका नाम आता है बायोलॉजी में तो इनका नाम आप सुन ही रहे हो उस टाइम पे तो ही ही इज वन ऑफ द जीनियस पर्सन ठीक है तो एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल जो है ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी है ना और इसमें हम देखते हैं उन्होंने कैसी क्लासिफिकेशन के बारे में कहा और क्या बताया हमें ही वॉज द फर्स्ट वन He was the first one to tell us about classification. द फर्स्ट पर्सन ने हमें क्लासिफिकेशन के बारे में चीजों के बारे में बताया ठीक है जिसमें आपको दिखाता हूं okay, हमें कार दिया कि बेसिकली आप चीजों को क्लासिफाई भी कर सकते हो है ना तो इन्होंने फर्स्ट टाइम भी क्या किया फर्स्ट टाइम इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया और एनिमल्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया कैसे किया Uh, कैसे किया है ना प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सम थिंग्स है दो चीजें देखी उन्होंने बात की किसके पर मॉर्फोलॉजी के बारे में और सिमिलर ही फोकस्ड या ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया पहला इन्होंने देखा कि यार हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म दिख क्या कैसा वो दिखता है उसके पास चार पैर हैं क्या चीज है उस चीज को देख कर इसने क्या किया पहली बार क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया आपको क्या लगता है क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई चीज कैसी दिख रही है उसको देख आप उसे एनिमल बोल दो या उसे आप प्लांट बोल दो क्या आप ऐसा कर सकते हो दूसरा चीज उन्होंने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ मैं हैबिटेट देखता हूँ ना वो किस हैबिटेट में रहता है क्या वो एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे लाइक वो लाइक यू you नो know, प्लांट्स वगैरह खाता है या उसका हैबिटेट कैसा है किस इकोसिस्टम में वो रहता है इसके बारे में जो है समथिंग लाइक दिस ही ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड द हैबिटेट जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल है प्लांट्स का तो उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ थ्री टर्म्स फर्स्ट इज हर्ब्स सेकंड इज ट्रीज एंड द थर्ड इज श्रब्स तो जो सॉफ्ट स्टेम थे शॉर्ट हाइट प्लांट्स थे हैं जो कि बिल्कुल ही लाइक like, यू you नो know, बहुत ही सॉफ्ट से प्लांट्स थे उन्होंने, उन्होंने क्या कहा उन्होंने इसको हर्ब्स के अंदर रख दिया ठीक है सेकंड कुछ ऐसे जिनकी स्टेम वुडी थी है ना आ, बहुत ज्यादा थिक नहीं थी हार्ड नहीं थी बट वुडी स्टेम थी उनको उन्होंने किस में रखा शब्स में रखा और जो बहुत बड़े थे है ना बड़े हाइट में थे और उनकी जो वुड थी वो बहुत ज्यादा थे उसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रॉपरली जनरेटेड थे डेवलप थे है ना तो ऐसे प्लांट को उन्होंने ट्रीज के नाम पर रखा तो उन्होंने प्लांट्स को ऐसे तीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट बेसिस ऑफ दॉर्फोलॉजी उस बेसिस थी की, ऐसी की। कुछ क्लासीफिकेशन देखी गई किसमें एनिमल्स के बेसिस पे एनिमल्स मेंबिटेट है ना और एक हम देखने वाले हैं उनके अंदर आरबीसी है या फिर नहीं है तो आप मुझे बताओ कि यही एक अच्छा सिस्टम है कि यार आप देख रहे हो किसी का है और उस बेसिस पे आप क्लासीफाई कर रहे हो इट्स लाइक की यार एक बैक्टीरिया जो है वो भी जमीन पर रहता है और एक एलिफेंट जमीन पर रहता है दोनों तो को एक साथ रख दो ये तो बकवास है ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए तो इस चीज के बेसिस पे इन्होंने कहा कि एनिमल्स को हम रखेंगे हैबिटेट के बेसिस पे कि कौन कौन है जो लैंड पे रहते हैं कौन कौन है जो वाटर में रहते हैं और कौन कौन है जो एयर में उड़ते हैं है ना तो उस बेसिस पे इन्होंने ड्वेलर्स का नाम लिया और कुछ थे इनके एयर ड्वेलर्स जिनमें इन्होंने बर्ड्स वगैरह को रखा ही क्लासीफाइड द वॉटर डवेलर टू लिव इन द

एनिमल्स को दो बेसिस पे किया है हैबिटेट और प्रेजेंस ऑफ आरबीसी है ना whether आरबीसी इज प्रेजेंट और एब्सेंट ये तो बहुत बेकार सिस्टम है ना कैसे ही कर रहे हैं मतलब लाइक उसमें ब्लड है कि नहीं ऑक्टोपस में ब्लड लाइक रेड ब्लड का नहीं है तो क्या मतलब वो कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ऐसा तो नहीं होता है ठीक है उन्होंने कहा कि भाई एक तो होते हैं एनाइमा और एक होते हैं अनाइमा तो इनाइमा और अनाइमा के पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया जिसके पास आरबीसी थी आरबीसी थी उसको उन्होंने कहा इनाइमा और जिसके पास नहीं थी उन्होंने उनको इस, क्या कहा अनाइमा ठीक है तो ऐसे उन्होंने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी दो वर्ड से इंपॉर्टेंट है सेकेंड वर्ड इज इनाइमा ठीक है दिस इज एबसेंट आरबीसी सॉरी दिस इज प्रेजेंट आरबीसी है ना रेड ब्लड एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोसाइट व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ 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 एरिथ्रोसाइट और एब्सेंट एब्सेंस ठीक है तो ऐसे उन्होंने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की बट हाँ एक बेसिस हमें आइडिया मिल पाया कि हाँ यार कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं इतना हमें पता लग गया ठीक है फिर तो आगे कहानी बनती चली गई और आगे बहुत साइंटिस्टों की भीड़ आ गई ठीक है ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई चीज ट हो जाए तो फिर भीड़ लग जाती है उसके पीछे है ना तो इस तरीके से ठीक है तो अगर हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करें तो हम देख सकते हैं कि इसके बाद कौन आया पहले क्लासिफिकेशन शुरुआत की गई किसके द्वारा एरिस्टोटल उसके बाद फिर जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पहली बार आया था ठीक किसने दिया किसने दिया यस कौन बताएगा मुझे यस निकिल डोइनो किसने दिया ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और एक्चुअली ही वाज इट वाज गिवन बाय

ठीक है, फुल नेम तो इन्होंने आ, आगे जाकर आप पढ़ोगे के नॉमन क्लेचर दिया जिसमें दो नाम होते हैं बाइनोमियल मतलब दो नाम होते हैं ठीक है तो इन्होंने अपना नाम भी फैशनेट होकर अपना नाम भी दो नाम में रख दिया तो वैसे इनका पूरा नाम कुछ और था ना? इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था तो देख रहे हो इनका अलग ही लेवल का स्वैग है हाँ एरिस्टोटल uh, ने प्लांट और एनिमल uh, में क्लासीफाई किया था कि कुछ होते हैं प्लांट कुछ होते हैं एनिमल्स सेम चीज इन्होंने भी की कार्ड लिनियस ने भी की बट इन्होंने कुछ और आइडिया लगाया इन्होंने हैबिटेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं किया इन्होंने सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया एरिस्टोटल ने सिर्फ क्या देखा हैबिटेट कहाँ पे वो रहते हैं और आरबीसी हैं या फिर नहीं है उस बेसिस पे किया है ना इन्होंने देखा कि यार ऑर्गेनिज्म में क्या क्या सिमिलैरिटीज मैचिंग थिंग क्या मिल रही है क्या इसके पास चार पैर है अच्छा इसके पास भी चार पैर है उठा के एक तरफ रख दो अच्छा ये उड़ सकता है है ना तो इसके पास भी कुछ बॉडी के अंदर ये यू है और ये भी यू है इसको एक तरफ रख दो ऐसे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ठीक है तो पढ़ते हैं इनके बारे में सेम है इनका भी प्लांट और एनिमल्स है बट इनका जो बेसिस था जो थीम थी वो अलग थी तो इन्होंने क्या कहा इज द फादर ऑफ द सिस्टमैटिक बॉटनी ना वट इज सिस्टमैटिक्स वट इज सिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक इज अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी डील्स विदोल्यूशनरी रिलेशनशिप ठीक है तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि आपके टेक्सोनोमी और आपके इवोल्यूशन को दोनों को साथ में स्टडी करती है प्रपोजेस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन नाम में याद रखना आपको कार्ड लिनियस है ना? कार्डलिनियस जैसे शॉर्ट में आप कार्ड लिनियस भी कह सकते हैं ठीक है चीके? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया था प्लांट और एनिमल्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन किया इन्होंने कहा कि भाई हम लोग कैसे देखेंगे हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर ये जो क्लासिफिकेशन था किस बेसिस पर दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज And this similarities. He kuch book bhi likhi thi कुछ बुक भी लिखी थी से, जो famous लिंग थी और that was basically famous हुई थी uh, इनके uh, like, उस बुक से ही ये ज्यादा फेमस हुए थे उस टाइम पे तो बुक का नाम जो है वो भी आपके सिलेबस में है और लाइक like, वो सीबीएसई में भी है आता है और आईसीएसई में भी आपके में है ये सिलेबस में दैट इज योर सिस्टम The बुक written by हिम was द सिस्टमा नेचुरल आई थिंक आई हैव द पिक वेल, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बुक थी वो शायद है मेरे पास वाज़ द कार्ड लीनियस आप देखते हैं फोटो हैं है ना ही इज़ द कार्ड लिनियस ियस ने जो है क्लासिफिकेशन आपको दिया था ओके वी हैव चलो कोई बात नहीं है ना हम अभी पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा है ना तो आप देख पा रहे हैं कि नेचुरे वाज़ द बुक है ना जो कि इन्होंने लिखी थी और एक थी इनकी स्पीशीज प्लांटेरम स्पीशीज प्लांटेरम और एक सिस्टम ये दो बुक जो है इन्होंने लिखी थी ठीक है आई थिंक अभी तक कोई डाउट नहीं है आपको ठीक है दीज बुक्स लिस्टेड ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स नॉन एट द टाइम इन्होंने अपने समय के जितने भी एनिमल्स और जो प्लांट थे उसका नाम इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था उनका एनिमल्स का और प्लांट्स का तो दो बुक्स के आपको तो नाम याद रखना है जो कि कार्ड लिनियस ने लिखी थी और इसी में इन्होंने आगे जाकर अपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे नॉमन क्रिएशन के बारे में भी तो वो भी हम आगे जाकर जानने वाले हैं ठीक है बेसिस वॉज सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज और यही वो पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार किंगडम शब्द का इस्तेमाल किया था फर्स्ट वन यूज दर्ड किंग एरिस्टोटल तो actually, हो ही नहीं सकता एक में तो आप सबको रख दोगे वो तो क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं है ना क्लासिफिकेशन दो से स्टार्ट होगा तो पहली बार दो किंगडम दिया किसने था वो था कार्डिनियस एरिस्टोटल ने सिर्फ शुरुआत की थी और उन्होंने क्लासिफिकेशन को समझाया था किंगडम किसने बनाए थे पहली बार कार्ड लिनियस ने हू गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन अब इसके डिमेरिट सुन लो है ना क्या क्या इसके नुकसान थे क्या क्या इसके नुकसान थे पहला नुकसान नो बिटवीन द डिस्टिंग एंड द इन्होंने प्रोटिकोटिक और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई लाइक uh, like, अलग अलग नहीं रखा इन्होंने बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया जैसे कि आपके एल्गी हो गई है ना अमीबा एराम

तो उसमें इन्होंने यू कैरोटिक और, और प्रोरोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों को एक साथ रख दिया था ये इनकी गलती थी सेकंड मिस्टेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द यूनिसेलर एंड द मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म और फंगस दोनों को एक साथ रख दिया है ना अब फंगस क्या है मल्टी सेलर है और ये आपका सेप्रोफाइटिक है वो अलग है

बस ऊपर ऊपर से देख देख के उन्होंने ऐसी बस क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं तो अगेन दिस इज नॉट द राइट वन ना है ना हमें तो हर चीज़ की डिटेल में जाना पड़ता है ताकि हम हर चीज़ समझ पाए है ना सोचो आपके एग्जाम में अगर कोई एस भी ना लिखो तुम्हें तो स्पेलिंग में वहां पर भी तुम्हारे मार्क्स काट लेते टीचर तो इतनी बड़ी गलती तो हम कैसे माफ़ करेंगे है ना मैं हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले दे आर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अपने टाइम पर उन्होंने बहुत कुछ नई नई चीज़ें इन्वेंट की है नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यू ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इन टू आदर कैटेगरी कुछ ऑर्गेनिज्म इनकी कैटेगरी में थे ही नहीं जैसे कि आपके कुछ आर के है ना आर के बैक्टीरिया इनके में नहीं थे वायरस नहीं थे प्रायन्स नहीं थे तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म जो इनकी क्लासिफिकेशन में कभी आए ही नहीं तो उनको इन्होंने आ, उनका नाम या उनका जिक्र नहीं कर पाए थे ठीक है तो ये कुछ इनके डिमेरिट्स हैं जिन बातों के जवाबों सवालों के जवाब ये नहीं दे पाए थे इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को नकार दिया गया है ना मना कर दिया कि भाई ये हमारे साथ नहीं चलेगा इज दिस क्लियर यू समझ में आ गया

न्यू किंगडम जिसका नाम क्या था इन्होंने नाम एक नया किंगडम को इन्वेंट किया या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म को रख दोगे जो इनसे नहीं मिलते जुलते हैं ठीक है एक्चुअली रिमेंबर वन थिंग यार रिमेंबर वन थिंग अप्रितोश इज अप्रितोश है ना? सो so, देखो अगर मैं आपसे बात करूँ ना कि प्रोटेस्टा के बारे में देखो प्रोटेस्टा इज अ किंगडम जो कि एक तरीके से ना गार्बेज बैग की तरह काम किया जाता है ना एक तरीके से डस्टबिन की तरह है वो like, लाइक जो ऑर्गेनिज्म आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसको इसमें रखें या इसमें रखें या इसके कैरेक्टर से मैच ही नहीं कर रही है उसके साथ तो उसको उठाकर आप प्रोटेस्टा में रख दो ठीक है तो एक तरीके के गार्बेज बनाया गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा कि आपको अभी जो समझ में नहीं आ रहा है आप उसको इसमें डाल सकते हो ठीक है तो इट इज लाइक दिस तो प्रोटेस्टा वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड और द गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकल इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको अपने आसपास दिख रहे हैं उनको या तो आप प्रोटेस्टा में रखो या प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में ठीक है ऐसे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन को दिया था आई थिंक इट्स क्लियर टू यू है ना मगर आपको पता है अभी भी कुछ चीजें प्रॉपरली यू नो you know, क्लासीफाई या फिर ढंग से समझ में नहीं आ पाई थी बिकॉज अगेन सेम इशू आ रहा था कि यार प्रोटेस्टा जो है ना प्रोटेस्टा के अंदर आप किसको रखोगे यू हैव कैप्ड अमीबा पैरामीशियम साथ में इसमें एलगी भी रख दी गई ठीक है एलगी भी इसमें रख दिया इसमें आ, क्लोरोफिल वाले ऑर्गेनिजम्स को और नॉन क्लोरोफिल वाले ऑर्गेनिजम्स को दोनों तो को एक साथ रख दिया है ना नो डिस्टिंग्विश बिटवीन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स हैविंग क्लोरोफिल एंड हैट्रोट्रॉपिक उनको क्लासिफाई नहीं किया गया तो वही दिक्कत आ रही सेम अभी भी कम पड़ रहा था बिकॉज उसमें एक ही कैटेगरी में आपने एलगी को भी रख दिया है ना एंड अमीबा ब्लू ग्रीन एलगी सेम कैटेगरी में रख दिया गया इनको ठीक है आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बेसिकली क्या है ये यू कैरियोटिक है है, ये प्रो है ना ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया इट्स नॉट अ प्लांट है ना ये कोई एल्गी नहीं है ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी तो अगर क्लासिफिकेशन ढंग से नहीं हो पाया तो इनके सिस्टम को भी नकार दिया गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था आपके कोपलैंड साहब ने दिया था पलैंड गेव द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जहां पर उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जो कि है मोनेरा यहां से कुछ फायदा होना स्टार्ट हुआ ठीक है? न्यू किंगडम जिसका नाम था मोनेरा कोई तो पूछे बताओ प्रोटिस्टा किसने डिस्कवर कियापलैंड है ना और फिर आएगा आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वो आपके नेक्स्ट टॉपिक है अगर हम बात करें इसकी तो मोनेडा प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमलिया यू कैन सी ग्रेजुअली द यू नो क्लासिफिकेशन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग ठीक है सो दीस आर व्हाट दीस आर द किंगडम्स ठीक है मोनेरा में इन्होंने बैक्टीरिया को रखा और साथ ही साथ इन्होंने प्रोटिस्टा में आपके कुछ गार्बेज लाइक बनाए इन्होंने इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा इज लाइक इट इज लाइक अ डस्टबिन जिसमें आप कुछ ऑर्गेनिज्म को विच कैन नॉट बी क्लासीफाई दो विच कांट बी क्लासिफाइड इन सेम कैटेगरी उनको आप एक साथ रख सकते हो ठीक है उन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन को समझाया तो अगेन अब नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन बढ़ रहे हैं इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट कोई सवाल नहीं आने वाला मेन सवाल बस ये आएगा कि साइंटिस्ट का नाम बताओ फोर किंगडम किसने दिया थ्री किंगडम किसने दिया किसने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया किसने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया तो ये बात आपको इसमें मेनली ध्यान रखनी है ठीक है इसके बाद आते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बन सकते हैं एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और जो आप इसके बाद पढ़ोगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वो भी इम्पोर्टेंट है सिक्स का नम याद नाइनटीन नाइनटी के अंदर जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको दिया गया था ठीक okay. <laughs> okay. है हिंदुस्तान तो आर एस विटेकर ने 1969 देखो इससे पहले सिक्स किंग नम तो अभी दिया है इट इज रिसेंटली ये तो मॉडर्न वाला है ठीक है आ, लेकिन जो इससे पहले जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द विटेकर विटेकर एंड इन 1969 ये थे है ना रॉबर्ट विटेकर तो अभी रिसेंटली इनके क्लासिफिकेशन को बेस्ट माना गया और इनकी क्लासिफिकेशन को अभी तक कंटिन्यू करके हम चल रहे हैं और पढ़ रहे हैं इस इन्होंने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यार कुछ तो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपके होंगे मोनेरा कुछ होंगे प्रोटेस्टा कुछ होंगे फंगस इन्होंने फंगस को अलग कर दिया बिकॉज़ आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोफिक है वहीं पे फंगस कैसा है हेटरोट्रॉपिक इट फॉलोस द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कंफ्यूजन थी कि यार एलगी और फंगस को आप एक साथ कैसे रख सकते हो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है तो उस प्रॉब्लम को इन साहब ने सॉल्व किया है ना और इन्होंने कहा हा 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 आई एम सो स्मार्ट ठीक है उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया उन्होंने क्या किया फंगस को अलग कर दिया और उन्होंने प्लांट्स को अलग कर दिया ठीक है और लास्ट में एनिमीडिया ठीक है अब तो इसका मतलब ये नहीं हम कितनी भी क्लासिफिकेशन बना सकते हैं इसका मतलब ये नहीं होता ठीक है जितनी ज्यादा क्लासिफिकेशन बनाओगे ना उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी फिर ठीक है बिकॉज तो ज्यादा जगहों पर जाके चीजों को ढूंढना इज वेरी टिपिकल बहुत मुश्किल होता है वो इट्स लाइक like, तुम जंगल में जा रहे हो है ना तुम जंगल में जा रहे हो अब तो, तो, तो तुम रस्ते में जा रहे हो और तुम्हारे सामने कोई एक ऑर्गेनिज्म दिखा है ना अब वो ऑर्गेनिज्म कैसा है वो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा है पता नहीं कौन है बट देखो अगर ये ऐसा दिख रहा है तो दिख के क्या लगेगा ये है ना तो इसमें चल पा रहे है, है तो इस आप इसको हमें एनिमल में रखना चाहिए बट वहीं पर आपके साथ आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज होंगी तो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू मान लो सो कैटेगरीज बना दी तुम कैटेगरीज को पहले पढ़ोगे ना फिर उसमें रखोगे ना तो जितनी कम कैटेगरीज हो उतना अच्छा है तो पांच तक हमारा काम चल गया ठीक है अच्छा काम बन गया हमारा ठीक है बारे में कुछ बातें और पढ़ लेते हैं यू कैन सी हियर ही द किंगडम फंगस इन्होंने फंगस किंगडम को स्टैब्लिश किया एंड सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग एलगी या फिर प्लांट्स एलगी एंड फंगस इन सेम ग्रुप

अगर को वो यू है तो उसको इसमें रखने की सोचो ठीक है ऐसे ही क्लासिफिकेशन की कोशिश कर रहे थे <laughs> निकले सिंह हर कोई एक ऐड करते जा रहे हैं निकले सिंह सर मैं भी कर दूंगा एक ठीक है यार है ना तो क्या कर रहे हैं ना अब हमें तो बुक्स में दिया गया है हमें तो ऐसा मौका मिलता नहीं कि हम भी अपने चला के ऐड कर दे है ना बट अभी पढ़ने को होता है पढ़ लेते हैं ठीक है चलो है ना तो मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया और वी आल्सो से दैट मोनेरा हैजिंग द सोलो मेंबर्स मोनेरा के सोलो मेंबर्स कौन है प्रोकैरियोट्स होते हैं मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें अगला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो पहला तो आई थिंक आप समझ जाओगे है ना पहला क्या है पहला क्या है बच्चा पहला है सेल स्ट्रक्चर है ना इन्होंने देखा कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वेदर इट इज अ prokaryotic prokaryotic का मतलब क्या है हैज well डिफाइंड न्यूक्लियस या दैट इज यू कैरियोटिक है ना दैट इज यू कैरियोटिक और दूसरा उन्होंने क्या देखा Prokaryotic, जो कैसे है जो कि प्रेमेटिव है बहुत पुराने है ना बहुत पुराने और दूसरी बात डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस डज नॉट है न्यूक्लियस देखो न्यूक्लियस क्या है इसके लिए आपके साथ मान लो अगर आपके सामने एक ये सेल है है ना, एक सेल है और इस सेल के अंदर अगर आप जूम करोगे तो आप क्या मिलेगा इस सेल में जूम करने आपको मिलेगा इस तरीके से न्यूक्लियस न्यूक्लियस को आप और जूम करो आपको क्या मिलेगा यू विल गेट स्ट्रक्चर सम वॉट लाइक दिस जिसे आप कहते हो क्रोमोजोम ठीक है क्रोमोजोम को आप जूम करो आपको क्या मिलेगा क्रोमोजोम को अगर आपने जूम किया तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ठीक है ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से एक धागा है इसके ऊपर कुछ कुछ लिपटा हुआ है क्या लिपटा हुआ है और तुम सोचो है ना तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो क्रोमेटिन ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर वी हैव अ क्रोमोजोम क्रोमोसोम आप देख पा रहे डीएनए से बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर डीएनए से क्रोमोजोम बनाया इज अप ऑफ यस निखिल यस हिंदुस्तान कुकिंग अप्रितोष डीएनए अप ऑफ क्रोमोसोम या ऑफ डीएनए हियर और डीएनए जो है वो एक प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ है एंड दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन स्टोन प्रोटीन ठीक है इसको भी जूम करोगे तो एक यूनिट वो उठा लो और ये जो एक यूनिट है ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी कि भाई एक धागा सा है है ना और यहाँ पे एक प्रोटीन है तो इस वाले स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो न्यूक्लियो थ्री और फोर टर्म्स लाइक न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस न्यूक्लियोजोम, न्यूक्लियो प्लाजम चार पांच चीजें अलग अलग होती है आप जूम कर लो तो आपको मिलेगा फाइनली एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हैं इसको इज इज ऑफ ऑफ डीएनए हाँ सही बोला क्या बोला सही बोला है ना चलो ठीक so, है सो ये स्ट्रक्चर है पूरी सेल का इसमें देखो तो मेन चीज क्या है कुछ ऐसी सेल होती है जिसमें ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता पता ही नहीं कहां पे है ऐसे फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में और एक सेल होती है यहां पे आपका ये न्यूक्लियस जो है वो वेल well डिफाइंड है इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है अंबुजा सीमेंट की मैमब्रेन बनी हुई है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता ठीक है तो ऐसे ये जो होता है इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसे आप कहते हो यूकैरियोटिक इनके पास और भी ऑर्गनलीस होंगे लाइक like राइबोसोम्स होगा इनके पास माइटोकॉन्ट्रिया होगा है ना इनके पास और भी लाइक लिपिड्स ऑर्गेनिजम बहुत चीजें होंगी इंक्लूसिव बॉडीज होंगी इनके पास ठीक है तो उन सबके ऊपर भी क्या होगी मैमब्रेन होगी लाइसोसोम्स होंगे सो दे आर मैंम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनलीस तो दो बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में यूकैरियोटिक के बारे में पहली बात वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अवेलेबल सेकेंड जो भी ऑर्गनलीस पाए जाएंगे ना उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन जो है उनके ऊपर होगी प्रेजेंट होगी तो ये होती है यूकैरोटिक की डेफिनेशन दूसरे कौन है प्रोकैरोटिक जिनके पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनलीज है ये निकम्मे हैं कुछ नहीं आता इनको है ना कुछ है ही नहीं इनके पास गरीब है, है। ये कौन है ये गरीब है ठीक है तो र द गरीब सेल दीज आर अमीर सेल ठीक है चलो तो इन्होंने पहले, पहली बात क्या देखी पहले इन्होंने देखा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है कैसा स्ट्रक्चर है, है ना वो एक प्रो सेल है मतलब पुरानी सेल है पुरानी मतलब बोले तो कितना पुरानी कैसे बताया तुम्हें कितना पुरानी अच्छा ये बताओ तुम्हें लगता है ना कि यार ये ये पेन जो है मेरे हाथ में ये मेरा पेन है है ना तुम्हें लगता है कि यार ये टेबल जो है मेरी टेबल है पैकेट मेरा है तो तुम्हारा कुछ नहीं है ठीक है तुम्हारा इस दुनिया में कुछ नहीं है ठीक है सब कुछ जो है एक्चुअली में इस दुनिया के राजा इस दुनिया पर राज किसने किया है सबसे पहले मुगल ने किया है ने किया है ना या किंग शासन किसने किया है राज किसने किया है हमारी इस दुनिया पे भारत की छोड़ो दुनिया पर राज किसने किया है दुनिया पे राज करने वाले हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया कौन बैक्टीरिया सबसे पहले सबसे पहले इस दुनिया में कौन आए थे बैक्टीरिया आए थे तो वही है हमारे महान पूर्वज तो एक्चुअली में ठीक है तो प्रो सेल ही है जो मतलब बैक्टीरिया जो होता है उनके पास वो प्रो उनके पास कौन सी सेल होती है उनके पास होती है प्रोकैरियोटिक सेल ठीक है तो ये जो बैक्टीरिया है यही है जो पूरी दुनिया में सबसे पहले आए थे तो प्रो मतलब प्रेमेटिव सेल मतलब बहुत पुरानी सेल है तो इस दुनिया में सबसे पहले कौन आए थे ये दुनिया है किसकी वो है इन नन्हे मुन्ने है ना नन्हे मुन्ने से बैक्टीरिया की तो पहली बात सेल स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा सेकंड उन्होंने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है ना जैसे कि मिसाल के तौर पे आई कैन से अगर मैं बात करूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो इट मींस कि यार बॉडी की क्या जो बॉडी है ना, क्या वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है मतलब क्या वो सिर्फ सेल 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 से मिलकर बनी हुई है जैसे कि स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस ना कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे स्पॉन्जेस होते हैं तो स्पॉन्जेस को अगर आप ऐसे लात मारोगे ना ऐसे ऐसे लात मारोगे ना तो स्पॉन्जेस जैसे बिखर जाते हैं बिकॉज वो सेल से मिल बने हुए हैं दैट इज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमीबा एक ही सेल से बना है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पैरामीशियम यूगलीना ये सब क्या है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बैक्टीरिया हो गए ठीक है कुछ होते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सिलेंट्रेटा एनिमल्स में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ टिश्यू 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 से मिलकर बने हैं कोई ऑर्गन्स नहीं है टिश्यू है उनके पास तीसरे होते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अरे बाबा समझ में आ रहा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनके पास क्या है ऑर्गन अवेलेबल है ठीक है लुका बहुत पुरानी पुरानी कितनी ठीक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सॉरी ऑर्गन लेकेगन प्रेजेंट हो जैसे कि हार्ट किडनी है ना बड़े महंगे महंगे ऑर्गन है तुम्हारे पास है ना तो दुखी मत होता है पैसा नहीं है ना बहुत चीज है कितनी सैल है तुम्हारे पास पता है तुम्हें कितनी सेल है तुम्हारे पास ऑफ तुम्हारे पास तो कुछ तो है ना ट्रिलियन या बिलियन या फिर मिलियन वाला पैसा नहीं है तो क्या हुआ इतना, इतना तो है तुम्हारे, तो? तो मतलब तुम्हारे पास जो ऑर्गन है तो ऑर्गन होते हैं हर्ट प्रॉपरली होता है लंग्स होते हैं लिवर होता है ऑर्गन है नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम जिनके पास होता है अब सर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है जैसे देखो आपका आपके लंग्स है ना आपके लंग्स आपका ट्रैकिया ठीक है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर की आपकी नोज ये सब जो ऑर्गन है एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन तीसरा ऑर्गन ये सब मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल योर रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल योर एक्सक्रिएटरी सिस्टम सुसु करने जाते हो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है नेक्स्ट वी हैव नर्वस सिस्टम कोई तुम्हें अगर कुछ कह दे उसे पटाख से ऐसे चपाट मारते हो है ना उसे मारते हो पकड़ के तो वो क्या है वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ठीक है आपकी बॉडी में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ऐसे बहुत सिस्टम है जो काफी सारे ऑर्गन से मिलकर बने उसे आप कहते हो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और इनसे मिला के बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म जैसे आपकी पहले सेल है सेल से क्या बनता है टिश्यू बनता है टिश्यू से क्या बनते हैं ऑर्गन बनते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा बंटी जैसे कि बबली ठीक है अच्छा सेल किससे बनी है तो सेल भी किस चीज से मिलकर बनी है जैसे कि माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना नाइट्रोजन इन सबसे मिलकर बने तो ऐसे आपकी पूरी बॉडी जो है वो बन जाती है समझ में आया कोई डाउट तो नहीं है कोई डाउट तो नहीं है हाँ ऑर्गन्स का बहुत अच्छा आपने एक वर्ड में वो कहा है है ना मुझे भी मैं भी इसका आगे इस्तेमाल करूंगा ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन क्या होता है ऑर्गन सिस्टम ठीक है ठीक है तो ये होता है ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है ऑर्गन लेवल है किसी के पास ऑर्गन सिस्टम होता है किसी के पास टिश्यू होता है किसी के पास सेल होता है बताओ हमारे पास क्या है बताओ हमारे पास क्या है ये गलत मुझे बताना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा इन्होंने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मतलब कोई ऑर्गेनिज्म हेड्रोट्रोपिक है या फिर ऑटोट्रॉपिक है इन्होंने देखा भाई रिप्रोडक्शन कैसे करता है है ना रिप्रोडक्शन मतलब क्शन मतलब इन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है वेदर इट इज हेट्रोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक अब अगर ऑटोट्रॉपिक भी होगा ना अगर को ऑटोट्रॉपिक है तो ऑटोट्रॉपिक में भी कैसा है क्या वो कीमो ऑटोट्रॉपिक है या फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक है क्या होते हैं कीमो क्या होते हैं फोटो क्या डिफरेंस के इनके अंदर वो हम समझेंगे दूसरा आपका होता है अब अगर हैट्रोट्रॉपिक है मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है है ना खुद अपना काम नहीं करता दूसरों से अपना खाना छीनता है जैसे तुम लोग तुम क्या मतलब मैं भी हूं है ना हम क्या करते हैं हम दूसरों का खाना छीन लेते हैं सोचो अगर प्लांट्स बात कर पाते तो क्या बातें करते वो सोचो प्लांट्स अगर बातें कर पाते तो क्या बातें करते वो अब तूने मेरा खाना छीना है अगर तुम जैसे उसका प्लांट्स का खाना ऐसे तोड़ रहे होते तुमसे वो क्या कहते हैं अब तुम मेरा खाना ले रहे हैं बेशरम इट्स लाइक तो हेट्रा जो होते हैं हाइड्रोट्रॉपिक क्या होते हैं ये आपके दो तरीके से होते हैं, कुछ, हो, आपके हो हैं आ, स, कुछ आपके हो सकते हैं लाइक सेप्रोफाइटिक कुछ आपके हो सकते हैं होलोजोइक कुछ होते हैं पैरासाइटिक ठीक है तो ऐसे इन्होंने इस चीज पे भी नोटिस किया कि इन्होंने आर एच विटेकर की यहां पे बात हो रही है तो आर एच विटेकर ने ये सारी बातें देखी थी अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में रिप्रोडक्शन तो बॉस रिप्रोडक्शन कैसा है क्या वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है मतलब मासूम है ठीक है या फिर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है मतलब वो मस्ती करता है ठीक है तो मतलब कुछ ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया वो सेक्शुअली एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी जब उन्हें मस्ती आती है तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं ठीक है ह्यूमंस की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स भी सेक्चुअली करते हैं अमीबा वगैरह ए सेक्सुअली करते हैं तो ऐसे उन्होंने इस चीज को भी देखा कि वो ए सेक् रिपोर्ड्यूस कर रहे हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मैटर्स तो बहुत क्या किया नोने? बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति की उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया इन बातों पर ऐसी नहीं बस क्लासिफिकेशन कर दिया है, है ना उन्होंने बहुत चीज देखी थी लास्ट है फाइलोजेनेटिक मतलब उन्होंने एवोल्यूशन भी देखा कि भाई अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो ये आया कहां से इसके परदादा कौन है ये बंदरों से आया है एप से आया है या किसी और से आया है है ना ये चीज भी उन्होंने देखी थी तो दीज आर द मोड ऑफ क्लासिफिकेशन जो इन्होंने जब ऐसे बनाए कैटेगरीज बनाई तो इन सब बातों का ध्यान रखा था आई होप इन बातों को आप भी ध्यान रखेंगे ठीक है लास्ट टॉपिक पढ़ लो आज का जो कि है मेरिट और डीमेरिट फायदे क्या हैं और मतलब क्या क्या गलतियां रह गई थी और क्या क्या फायदे थे इन क्लासिफिकेशन को करने के देखें दिमाग लगा दिया टिंग डिंग 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 ठीक है तो मैरिट्स की बात करें तो मैरिट्स क्या है है ना प्रोकैरियोटिक गॉट अ सेपरेट प्लेस एज अ किंगडम मोनेरा मैरिट फायदा क्या हुआ एक मिनट रुकना घंटी बज गई घर से दो तो मिनट रुकना ठीक है तो पहली बात है आपके पास क्या प्रोकैरियोटिक्स को एक अलग से अपना घर मिल गया जो कि है मोनेरा तो याद रखना मोनेरा इज द सोलो मोनेरा के सोलो मेंबर्स कौन है मतलब मोनेरा में कौन आता है सिर्फ और सिर्फ सोलो मेंबर्स ऑफ मोनेरा यस हु इज द सोलो मेंबर बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं किसमें मोनेरा में कुछ पीपीएलओ भी आता है ना माइकोप्लाज्मा भी आता है मगर मेजर तौर पर कौन आते हैं आपके बैक्टीरिया आते हैं सेकेंड पॉइंट यूनिसेलर एंड ऑर्गेनिजम्स वर कैप्ट सेपरेटली कैसे कैसे देखो देखो पांच किंगडम्स थे हमारे पास कैसे हमने क्लासिफाई किया उनको पहलों को हमने क्या कहा मोनेरा ठीक है दूसरों को हमने क्या कहा प्रोटिस्टा तीसरों को हमने कहा फंगस फंगय है ना नेक्स्ट को हमने कहा प्लांटाए और फिर नेक्स्ट को हमने क्या कहा एनिमेलिया, ठीक है इनमें से कौन से वाले प्रोकैरियोटिक कौन से वाले यूकैरियोटिक है ये देख लो एक बार पहले यूनिसेल्यूलर की बात या प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये है सिर्फ जो कौन है प्रोकैरियोटिक बाकी सभी कैसे हैं यूकैरियोटिक पहली बात ये कैसे हैं ये और आपके ये ये जो है ये तो है आपके यूनिसेलुलर और बाकी यहां से लेके यहां तक सारे कैसे हैं मल्टी मतलब बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हैं बताओ समझ में आया पहले वाले प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पुरानी सेल है कोई न्यूक्लियस नहीं है मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है बाकी सारे कैसे हैं Well सब क्या है? ये आपके होते है। बाकी फंगस में सारे मल्टी सेलर हैं प्लांट भी मल्टी सेलर होते हैं और एनिमल्स भी मल्टी सेलर होते हैं कुछ एक्सेप्शन है उसके बाद हम ग्रेजुअली सेशन में कर रहे होंगे समझ में आ गया तो एक ये फायदा हुआ है ना किससे कि हमने मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म और यूनि सेलर को सेपरेट कर दिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को सेपरेट कर दिया फंगा वर प्लेस इन द सेपरेट किंगडम एज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट फंगस का और प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है है ना बाकी सब सिमिलरिटी सेम है कि वो भी मूव नहीं कर सकता वो भी मूव नहीं कर सकती इनके पास भी टिश्यू है इनके पास भी टिश्यू है, है सब कुछ सेम है बस मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन डिफरेंट था तो उसको भी हमने डिफरेंट कर दिया फंगस को अलग रखा और प्लांट्स को अलग रखा नेक्स्ट ऑटोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक वर प्लेस सेपरेटली इसी पॉइंट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और लास्ट है फाइलोजेंटिक रिलेशनशिप भी हमने दिखाने की कोशिश की है तो दैट इज अ पॉइंट बात करें डीमेरिट्स के बारे में तो कुछ यूनिसेलुलर एल्गी जैसे कि क्लेमाइडोमोनास वर कैप्ट इन द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा अवे फ्रॉम द रिमेनिंग एल्गी प्लेस इन द किंगडम ऑफ प्लांट आए मोस्टली एल्गीज को हमने किसमें रखा प्लांट्स में रखा मगर एक ऐसी कैटेगरी जो कि सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई है सोचो so, एक प्लांट तो प्लांट को आप माइंड में सोचोगे आपके माइंड में क्या आएगा प्लांट, प्लांट 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 एक बड़े से प्लांट होंगे उसके पास लीव्स होगी रूट होगी ऐसा आपके माइंड में पिक्चर बनती है ना मगर एक प्लांट ऐसा भी होता है जो सिर्फ एक ही सेल से बना है कितनी सेल से एक ही सेल से बना हुआ है वो कौन है तो इट इज अलुलर एल् यूनिसेलुलर एल् तो भाई इसे कहां रखें प्लांट्स तो कैसे हैं मल्टी सेलर है मल् लेकिन एलगी को इसमें रख तो नहीं सकते तो उसको हमने रख दिया किसमें प्रोटिस्टा में कहा था गार्बेज है एक तरीके से तो ये एक थोड़ा सा डिमेरिट है जो कि हम समझा नहीं पाए कि भाई कहाँ रखें इसको तो इसको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया एक डिमेरिट दूसरा क्लो, आ, क्लोरेला और आपके क्लामेडोमोनास जो है ऑटोट्रॉपिक है वर प्लेसड विद द पैरामीशियम है पैरामिशियम कैसा है हेड्रोट्रॉपिक है यूग्लना मिक्सोट्रॉपिक है तो प्रोटिस्टा की कहानी पता ही नहीं है कैसी कहानी है जैसे आप बात करो ना इस प्रोटिस्टा के बारे में तो प्रोटिस्टा में कौन आते हैं आपको सर यू कैरोटिक आएंगे जो अपना खाना खुद से बना पाएंगे नहीं आते यू कैरोटिक भी आते हैं जैसे कि आपके लाइक आपकेरटिक है ना वो दिन में ऑर्डर है और रात को सॉरी दिन में वो हाइड्रोट्रॉपिक है, है मतलब कि मान लो अगर ये आपका प्रोटिस्ता है कितना क्यूट सा और इसके सामने कोई इससे दोस्ती करने आया और अगर मान लो दिन हो रखा है तो दिन के टाइम में इसे दोस्ती कर लेगा दोस्ती कर लेगा लेकिन जैसे ही सूरज मामा जाएंगे और चंदा मामा आएंगे तो फिर ये बन जाएगा दुश्मन और ये इसे खा जाएगा तो दिन में तो ये ऑटोट्रॉपिक है लेकिन रात को कैसा है हेट्रोट्रॉपिक है देख रहे हो इसकी बदमाशी कैसी है बहुत बदमाश है ही तो ठीक है, 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 है तो ये प्रोटेस्टा जो है इसका अलग ही किंगडम है ठीक है इसमें यूनिसेलर भी आते हैं मल्टी सेलर भी आते हैं ऑटोट्रॉपिक भी आते हैं हेड्रोट्रॉपिक भी आते हैं तो बस एक ही प्रोटेस्ता की थोड़ी सी कहानी समझना मुश्किल हो गया था तो ये एक डिमेरिट है

ठीक है चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया ना तो ये सब बातें थी हमारे इस सेशन में जहाँ पे हमने पांच तरह के क्लासिफिकेशन की बात करी और प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज ये साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं अगर मैं बोलूं कि इंट्रोड्यूस किसने किया क्लासिफिकेशन को तो नाम बताओ फटाफट से क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किसने किया किसने पहली बार टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया

किंगडम वॉज गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकल, फोर किंगडम वॉज गिवन बाय द कोपलैंड फाइव किंगडम आर एच विटेकर और ये आप पढ़ोगे सिक्स किंगडम विच वॉज गिवन बाय कार्ल हूस जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा के बारे में कि मोनेरा क्या होता है ठीक है तो इस साइंटिस्ट के नाम आप याद रख लीजिएगा बाकी इनके बारे में मोस्टली डिटेल मैंने आपको दे ही दिया है ठीक है कुछ चीज़ें और रह गई हैं लाइक आपका रूल्स फॉर नॉमन क्लेशर क्या है आपके नॉमन क्लेशर होता क्या है और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैं आपको समझाई दिया है ना सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में तो कुछ होते हैं ऑटोट्रॉपिक कुछ होते हैं हेटरोट्रॉपिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ होते हैं सेलुलर लेवल कुछ होते हैं टिश्यू लेवल कुछ होते हैं ऑर्गन लेवल कुछ होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ठीक है तो मोस्टली हमने कवरअप किया है नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं किसके साथ नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं मोनेरा किंगडम के साथ फिर हम पढ़ेंगे मोनेरा प्रोटेस्टा प्लांटा एनिमिली और फंगस चैप्टर खत्म कुछ बैचेज चल रहे हैं सकते हैं इनकी जो फीस है वो कुछ एट थाउजेंड से लेकर टेन थाउजेंड के बीच में है जो कि पूरे साल की है तो पूरे एक साल आप हमसे जुड़ जाएंगे और वहां पर आप पूरा सिलेबस हमारे साथ कवर कर रहे होंगे इन बैचेज में आपके ट्वेल्थ क्लास का टर्म फर्स्ट का सिलेबस कवर कराया जा रहा है तो इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं Whenever you go for any subscription, if you can apply my code, then you will get ten percent discount. That is, Lakshya, my name, G Life. Okay, so this will give you an extra ten percent discount. So you can definitely use it. Okay, by Baki course we have the uh, Mohana ma'am who will be leading your physics part. Jyoti ma'am will be leading your maths part, and I will be taking your biology part. Okay. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज इंटरेक्शन आई होप यू एंजॉय दिस है ना एक मैं आपको फीचर और बता रहा था आपकी कम्युनिटी पोस्ट का दिस इज फ्री अवेलेबल फॉर यू जस्ट गो ऑन द प्लेटफॉर्म सर्च माई नेम देर डेट इज लक्ष्य गेरा उस पे जाके आप एक प्रोफाइल भी पहुंचेंगे जहां पर लिखा होगा फॉलो यू कैन फॉलो मी वंस यू फॉलो मी यू विल बी कनेक्टेड विद माई कम्युनिटी एंड मेरी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ जाएंगे वंस यू कनेक्टेड विद माई कम्युनिटी वहां पर आपको यार आपके चैप्टर्स की डीपीपीस मिल जाएंगी वहाँ पे यार आपको इमेज मिल जाएंगी आपको यार शॉर्ट ट्रैक्स मिल जाएंगी ये सब चीजें जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी है ना तो हर लेक्चर के बाद जो आपके प्लेटफॉर्म पे होता है उसके बाद मैं उसकी डीबीपी पी पी वहाँ पर डाल देता हूँ तो आप उसे जाकर वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू ठीक है तो जो भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं जस्ट ट्राई टू ग्रैप दीज प्लेटफॉर्म बेनिफिट्स एंड वी हैव द प्लस कोर्सेस लाइव क्लासेस मिलेंगी वीकली टेस्ट मिलेंगे टेस्ट सीरीज मिलेंगी पूरा एक स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द एंड द विल विल बी बी यू गेटिंग देयर ठीक है तो प्राइसिंग मैंने आपको बताई दी है डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड दैट इज लक्ष्य जी लाइफ ठीक है सो दिस वॉज ऑल फॉर आवर टूडेज इंटरेक्शन मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में कि बैक्टीरिया कैसा दिखता है ठीक है मोनेरा के बारे में तो ये थी हमारी आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें सेफ रहें बाय बाय टेक केयर